गाइस, बदला ब्रदर वर्सेस डकी भाई की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आहा, हर गुजरते लम्हे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैं लेकर आ गया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स। ठीक है, कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों? आई होप मजे में होगे। बदला ब्रदर के जेल में जाने के बाद और उसका नाहक चैनल हैक होने के बाद ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है जिससे ये केस दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अपने पिछली वीडियो में मैंने अपने कुछ खदशात का इजहार किया था जिसमें मुझे खदशा था डकी भाई वर्सेस बदला ब्रदर केस में होने वाली पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मैंने वो वीडियो टैग कर दी है, लाजमी देख लेना, काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाय द वे 17 मई को थी डकी भाई की डस्का की अदालत में पेशी। इसके बारे में हमें बदला ब्रदर ने अपने लास्ट वीडियो में खुद से बताया था। तो सुनो ब्लाइंड फैंस, ये जो डकी की छोटी छोटी डड्डू मच्छियां कमेंट्स में आगे कहती है ना कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई वो अदालत में पुजे चने बेचने आया। अब इसको हर तारीख पे आना पड़ेगा, 17 मई को दोबारा हाजिर होगा और 17 मई को ये अपने मुचलके पेश करेगा, यानी जमानत पेश करेगा, कोई जमानती वगैरह देगा कि अब मैं भागूंगा नहीं। जिसको नहीं यकीन हो रहा वो 17 मई को आ जाए और देख ले ये पेश होगा, इसका वकील भी इसके साथ। आज सारा दिन डस्का की अदालत से किसी भी किस्म की न्यूज का वेट करने के बाद हुआ कुछ यूं कि डकी भाई ने अपना एक व्लॉग अपलोड किया कि वो पाकिस्तान में है ही नहीं। अरेस्ट वारंट निकलने के बाद अगर ये एक और तारीख पेश ना होता तो केस वन साइडेड हो जाना था, अदालत ने इनको इश्तियारी कर देना था, इसलिए भाई इसको मजबूरन आना पड़ा। अब अगर इस सारे सिचुएशन में बदला ब्रदर की बात को सही मान लिया जाए तो उस हिसाब से तो डकी भाई ने आज अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है और अब तक तो पुलिस को उसे इश्तिहारी मुजरिम डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि वो कोर्ट को फेस करने की बजाय 2 दिन पहले ही पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। बाय द वे डकी भाई ने जानबूझकर ये वीडियो 17 मई को शेयर की ताकि बदला ब्रदर की बात को झूठा साबित किया जा सके और डकी भाई अपनी ऑडियंस को काफी हद तक अपने एक्शन से अपना मैसेज कन्वे करने में कामयाब रहा। इसके अलावा इस केस से रिलेटेड बदमाश टिकटॉकर नदीम नानीवाला के भी व्यूज का मैं वेट कर रहा था, बट मुझे लगता है कि बदला ब्रदर को जेल की हवा लगवाने के बाद बदमाश टिकटॉकर का कलेजा ठंडा हो गया है और अब वो भी इस मसले को खत्म करना चाहता है। सही बात है। अब अगर इतना सब कुछ हो ही गया है तो अभी भी सब पार्टीज को चाहिए कि प्लीज मिल बैठकर ये सारा मसला सॉल्व कर ले। इस छोटे से इशू को सब अपने अना का मसला ना बनाए, 4 दिन की जिंदगी है, अपने अपने फैंस को एंटरटेन करें। ये क्या बात हुई कि छोटे से इशू को आगे से आगे लेकर जाते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर इस मामले में इंटरफेयर करके इस मसले को सॉल्व नहीं करवा रहा। और अगर मेरे बस में होता तो कसम से इस बात को इतना आगे बढ़ने ही ना देता। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने भी आपस के इख्तलाफात को हमेशा बातचीत से सॉल्व करने का हुक्म दिया है। आई विश ये सब बातें ये लोग समझ जाएं। तो गाइस, आप लोगों के मुताबिक क्या सच में बदला ब्रदर ने झूठ बोला था या डकी भाई अपने क्रिमिनल फेस को छुपाने के लिए पाकिस्तान से फरार हो गया है? अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।